नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का एफटी न्यूज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। आगरा की पॉश कॉलोनी कमला नगर में पुलिस का छापा, आईपीएल में सट्टा लगाते हुए 3 सटोरिये गिरफ्तार। आईपीएल 2020 में सोमवार को मुंबई और बेंगलुरु के बीच मैच था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आगरा में सोमवार रात को पुलिस ने ब्रज विहार कमला नगर में छापा मारा। पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगाते हुए 3 सटोरियों को अरेस्ट कर लिया है। इनके पास से 20,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। दिल्ली से चल रहा था आगरा में सट्टा। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि सटोरिये दिल्ली के एक बड़े सटोरिये के संपर्क में थे और आगरा में सट्टा का दाव लगा रहे थे। 3 सटोरिये गिरफ्तार किए गए हैं। थाना प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र शर्मा ने बताया कि सट्टा लगाते हुए शरयू धाम कर्मयोगी एनक्लेव के गौरव पाराशर, मीना मार्केट न्यू आगरा निवासी शशांक सारस्वत और भूड़ का बाग निवासी सौरभ तिवारी को अरेस्ट किया है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। एफटी न्यूज के लिए आकाश कुशवाहा की रिपोर्ट। देखिए, लगातार श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार कुछ टीमों का गठन किया जा रहा है, जो कि आईपीएल के लगाए हुए ऊपर जो सट्टे हैं उसके ऊपर लगातार मॉनिटरिंग न कर रहे, साथ ही में साइबर सेल भी कर रहा है। कमला नगर थाना अध्यक्ष नकेजी जी को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक कमरे में किराए पर लिए हुए कमरे पर कुछ लोग सट्टा आईपीएल पर लगा रहे, उसकी सूचना मिली थी। पुलिस जब मौके पर मिली तो रेड हैंडेड उनको पकड़ा गया। साथ ही में कुछ मोबाइल फ़ोन्स, टीवीज़ और कुछ उनसे जो नोटबुक्स वगैरह हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह है, वो भी उनसे बरामद किए गए हैं। 3 लोगों की इसमें गिरफ्तारी कर उनको जेल भेजा जा रहा है। रकम भी बरामद की गई है, 20,000 रुपये उसमें रिकवरी सर। और भी सट्टे के कारोबार चल रहे हैं, क्या चिन्हित किए हैं? जैसे मैंने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार लगातार टीम बनाई गई है और वो प्रत्येक जगह पर नज़र अपनी लगे हुए हैं।